वेलकम, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। साल 2021 पहले ही फिल्मों की रिलीज डेट के साथ फुल हो चुकी है। वहीं कई निर्माता निर्देशकों ने साल 2022 की बड़ी तारीखों को भी लॉक कर दिया है, जहां अक्षय कुमार 26 जनवरी को बच्चन पांडे के साथ साल को शुरू करेंगे। वहीं अजय देवगन, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, प्रभास, वरुण धवन की फिल्में भी 2022 के लिए फाइनल हो चुकी है। जी हां, सलमान खान की टाइगर 3 को 2022 ईद धमाका माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। लिहाजा हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन फिल्मों के बारे में जिसकी रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, जहाँ 26 जनवरी को अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म को लॉक किया है, वहीं दशहरा पर आ रही रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म है जो सबसे खास होने वाली है। जी हाँ, इसमें सबसे खास बात यह है कि 2022 में वरुण धवन और प्रभास की फिल्मों का क्लैश होते देखा जाएगा। बात करें बच्चन पांडे फिल्म की, जो कि 26 जनवरी 2022 को रिलीज होने जा रही है। फरहाद सामजी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को साजिद नडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस, पंकज त्रिपाठी, प्रतीक बब्बर, अभिमन्यु सिंह और अर्शद वारसी अहम किरदारों में दिखेंगे। वहीं बात करें एक विलन रिटर्न्स की, तो यह फिल्म 11 फरवरी 2022 को रिलीज होने जा रही है, जिसमें आपको जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया दिखने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी कर रहे हैं, जबकि प्रोड्यूसर हैं एकता कपूर और भूषण कुमार। वहीं अगली फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का नाम है लव रंजन, जो कि 18 मार्च 2022 को रिलीज होगी। लव रंजन अपनी आगामी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म साल 2022 तक ले जा रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी फाइनल है। फिल्म का निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग ने किया है और गुलशन कुमार व भूषण कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वहीं अब बात करें हॉरर फिल्म भेड़िया के बारे में। जी हां, भेड़िया की रिलीज डेट भी आउट हो चुकी है और इसकी तारीख है 14 अप्रैल 2022। वरुण धवन और कीर्ति सेनन स्टारर निर्माता दिनेश विजान की मैकडॉग फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स की यह तीसरी फिल्म होगी। वहीं बात करें फिल्म सलार की, तो इसकी रिलीज डेट 14 अप्रैल 2022 है। इस एक्शन फिल्म में प्रभास और श्रुति हासन नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नल कर रहे हैं। जी हां, यह वरुण धवन की भेड़िया के साथ क्लैश कर रही है। वहीं अब बात करते हैं अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म के बारे में, जिसका फैंस अभी तक इंतजार कर रहे हैं। उसका नाम है मेडे। जी हां, इस मेडे फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा हो चुकी है, जो कि 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। इस फिल्म में अजय देवगन और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, रकुलप्रीत सिंह स्टारर। यह फिल्म एक थ्रिलर ड्रामा होगी। फिल्म का निर्देशन अजय देवगन ही कर रहे हैं। वहीं अब बात करें आदि पुरुष की, तो इसकी रिलीज डेट 11 अगस्त 2022 है। इस फिल्म को ओम रावत निर्देश कर रहे हैं। वहीं यह फिल्म 5 भाषाओं में बनने जा रही है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। फिल्म में फिलहाल प्रभास, सैफ अली खान और सनी सिंह का नाम फाइनल बताया गया है और इसमें कई सारी मूवीज और अगले साल रिलीज होते दिखेगी आपको, जिसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर है और एनिमल में आपको रणबीर कपूर और परिणीति चोपड़ा नजर आने वाले हैं। वही अब देखना होगा कि साल 2022 कितने धमाकेदार होने वाली है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।